अस्सलाम वालेकुम जी, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलो गाइस, आज हम बनाते हैं 1.5 कप दही और 2 गिलास दूध से बहुत ही बेहतरीन मिठाई। तो चलो बनाना शुरू करते हैं फटाफट से। तो गाइस, हम आ गए किचन में। तो हम गैस पर रख दिए कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि इसमें दूध हम डालें। दूध तले में चिपके नहीं है, इसलिए थोड़ा सा पानी डालना ज़रूरी होता है। तो इसमें हम आधा लीटर दूध डाल देंगे। कप से नापोगे तो 2 कप रहेगा, गिलास से भी रहेगा 2 गिलास। तो इसको हम डाल दें, इसमें डाल के इसको हम गरम करेंगे। तो गैस जला दिए, पहले दूध जब गरम हो जाएगा तो इसको हम इसमें डालेंगे हम चीनी। तो देखो दूध हमारा अब गरम हो गया। अब इसमें हम 1/4 कप चीनी डाल दे रहे हैं, थोड़ा सा खाली 1 कप डाल दे रहे हैं चीनी। मीठा आप थोड़ा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखो इसमें डाल दिया, अब इसको इसे चलाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। इधर हम लिए थोड़ा सा दूध कटोरी में, इसमें हम 1/2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर मिला दे रहे हैं। 2 कॉफ़ी पाउडर इसमें हम अच्छे से मिला देंगे। मिला के इसको हम साइड में रखेंगे। देखो अच्छे से मिला देना है, गर्म दूध रहता है जल्दी से कॉफ़ी पाउडर घुल जाता है उसमें। तो इधर गैस तेज़ गैस पे हम दूध को पका रहे हैं क्योंकि हमें इसे बनाना है मिल्क मेड या कि कंडेंस मिल्क। और इधर लिए हैं केक टिन, इसमें हम लगा दे रहे हैं तेल थोड़ा सा ताकि चिपके नहीं। इसी में हम बनाएंगे अपनी मिठाई को। आपके पास कोई सा भी कटोरा हो उसमें बना सकते हैं या कटोरी हो छोटी उसमें बना सकते हैं। तो देखो दूध को हम पका रहे हैं तेज़ गैस पे, ये फटाफट से बनके रेडी हो जाता है। कंडेंस मिल्क कभी भी आप बनाओगे तो तेज़ गैस पे बनाओगे और फटाफट से चलाते रहोगे कई चम्मच से, तभी वो चिपके भी नहीं, चिपकेगा नहीं। और उसे किनारे छुड़ाते रहना, यानी हटाते रहना मलाई को। जो कभी गाढ़ा होना शुरू हो गया है, फटाफट से बन जाएगा कंडेंस मिल्क हमारा। अब हम गैस बंद कर दे रहे हैं। देखो कंडेंस मिल्क बन के रेडी हो गया, इसको उठा के हम आपको दिखा दे रहे हैं। अब इसको रखेंगे ठंडा होने के लिए। देखो ये ठंडा हो गया, खूब जो सारा एकदम ठंडा होना चाहिए, इसको गर्म नहीं होना चाहिए। इधर हम लिए हैं 1.5 कप दही, इसका पानी हम निकाल दिए हैं। ये कपड़े पे रख दी थी छन्नी पे और ये पानी इसका सारा निकल गया। अब इसमें हम जो कॉफ़ी का पाउडर रखी थी ना उसको मिला दे रहे हैं। तो इसको अच्छे से हम कांटे वाले चम्मच से मिला दे रहे हैं, जो फोक वाला चम्मच होता है। तो गाइस आज की वीडियो हमारी कैसे लग रही है? अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करना प्लीज़, और बेल आइकन दबा देना ताकि जो नई वीडियो डालें आप तक पहुंच जाए, यह बिल्कुल फ्री है। तो इसको अच्छे से मिला लेना, इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए, इसीलिए इसको हम अच्छे से मिला ले रहे हैं। तो इधर हम देखो गैस पर रख दिए हैं कुकर, कुकर में इसको हम बनाएंगे। तो देखो गैस हम जला दिए हैं, कुकर में थोड़ा सा पानी डाल देंगे, उसमें डाल दे रहे हैं 1 स्टैंड। आपके पास अगर कटोरी कोई हो तो उसको कटोरी को इसे पलट कर दोगे तो वो भी उस पर भी पक जाएगा। ये ढक्कन रखेंगे, देखो ये वाला ढक्कन कढ़ाई वाला। आप चाहें तो कुकर का ढक्कन भी रख सकते हैं, आप चाहें तो कढ़ाई भी बना सकते हैं। तो इसको अच्छे से हम मिला लिए, देखो अच्छे से ये मिल गया है एकदम बढ़िया से, इसमें लम्स नहीं है बिल्कुल। तो चलो इसको अब हम केक टिन में डाल देते हैं। तो सारा केक टिन में डालेंगे, पहले इसमें मिल्क मेड जो बना के रखी हुई है कंडेंस मिल्क, उसको इसमें मिला दे रहे हैं। कोई मिल्क मेड कहता है, कोई कहता है कंडेंस मिल्क, कंडेंस मिल्क भी कहा जाता है इसको इंग्लिश में कहते हैं कंडेंस मिल्क। तो इसको आराम से हम इसमें मिला देंगे, अच्छे से मिला देना है इसको भी। अगर आपको मीठा कम लगे तो इस टाइम आप इसमें थोड़ा सा चीनी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें मीठा इतना बहुत परफेक्ट रहेगा, इसमें हमें मीठा कुछ नहीं डालना है। अब इसको हम डायरेक्ट केक टिन में डाल देंगे। इसको भर के भी रख सकते हैं, ऊपर तक भी रख सकते हैं, क्योंकि इसको तो फूलना है नहीं केक की, जैसे कि केक जैसे फूलता केक की तरह ये फूलेगा नहीं। तो इसको हम देखो पक रख देंगे इसमें अच्छे से, सब निकाल के बढ़िया से। इसको रखने के बाद इसमें हम थोड़ा से हिला देंगे, उसके बाद इसको हम रखेंगे इसके अंदर। तो देखो इसके अंदर दें, थोड़ा बाहर से आवाज़ आ रही है, इसको आप मत ध्यान दीजिएगा, क्या करें मजबूरी, आवाज़ तो आती रहती है। हम जब टाइम मिलता तभी हम आवाज़ डाल पाते हैं, काम बहुत अकेले के लिए हो गया हमें क्योंकि घर भी अब बड़ा हो गया, नीचे ऊपर काम करते करते हम थक जाती हूँ। दोनों जगह काम करने के बाद फिर हम अपना वीडियो बनाती हूँ, खाना पकाती हूँ। तो देखो वीडियो मैंने बना रही हूँ। देखो इसको हम पकाते इसको 15-20 मिनट तक पकाएं, उसके बाद इसको हम चेक कर लेना है। इसमें हम चाकू की नोक डाल के चेक कर लेना, देखो कहीं चिपक नहीं रही चाकू, इसका मतलब ये पक गया है। तब हम गैस बंद करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे। तो चलो फटाफट से गैस बंद कर देते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। और गैस कुछ अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग ना कमेंट करते हैं ना लाइक करते हैं, देख के बाद चले जाते हैं फटाफट से। यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एक कमेंट कर दिया करो, एक लाइक कर दिया करो, क्या जाता है आपका है ना। तब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे क्योंकि मिठाई बनके हमारी रेडी हो गई है। बहुत जल्दी बनने वाली मिठाई है, फटाफट से बन जाती है और खाने में तो बिल्कुल सॉफ्ट बिल्कुल रहती है।
तो इसको देखो हम प्लेट में निकाल लिए हैं। वाह माशाल्लाह कितनी बेहतरीन लग रही है देखने में, लग रही ना बेहतरीन बहुत। तो इसको हम चलते आप गार्निश कर लेते हैं। तो आप चाहे ये पिस्ता लगा दें या बादाम लगा दें, जो आपके पास ड्राई फ्रूट हो आप उसको लगा सकते हैं। हमारे पास था बादाम तो इसको हम इसे पतले पतले शेप में काट दिए हैं। वहाँ लड़का काटा साहिल मेरा बेटा, तो इसको हम वो काट के वो हमारा हाथ बढ़ाता है साहिल रात दोनों, तो साहिल काट के रख दिया था। इसको हम मिला के इसमें लगा दिए, देखो लग रहा ना बेहतरीन। इसके ऊपर थोड़ा सा लगा दिए केसर के धागे ताकि इसका लुक और अच्छा आ जाए, है ना। सजा के थोड़ा रखोगे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो गाइस आज की वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर मारना भूलना मत। तो कितना बेहतरीन मिठाई हमारी बन के रेडी हो गई, बहुत सॉफ्ट होती है और खाने में तो बिल्कुल एकदम जैसे मक्खन होती है। तो चलो इसको कट करके भी दिखा देते हैं आपको, इसको हम किसकी हम कटिंग कर दे रहे हैं। तो देखो इसको कट करके से इसे हम उठा लेंगे इसको। अरे उठ जा भाई फटाफट से, उठी नहीं रही पुतने की। देखो उठा लो, वाह माशाल्लाह एकदम सॉफ्ट मिठाई बन के रेडी हुई। तो गाइस लग रही ना देख रही हूँ, आ गया ना मुँह देख के पानी, हमारे तुम्हारा आओ क्या रहा नहीं आ रहा। तो गाइस अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।